साथियों वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो साथियों और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू के अहम नकादों में से एक और साथियों बहुत ही अहम जो कि सहाफ़ी भी हैं नाकिद भी हैं यानी रहमान फारूकी के बारे में इससे जो है ना लेटेस्ट में अभी एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अहम हो जाता है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मोहसिन अहमद नुसरत जबी एम डी कौसर ये उमर उमरा और ये साल खातून चलिए बहुत अच्छा चंद्रबन कुमार और उसके बाद अतीक अंसारी जे मेहरू माहे नूर बेगम नूरे आलम नूरी सबा सभी का वेलकम है स्वागत है खुश आमदीद है साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रहमान। ऐसे मैं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आपको पढ़ा दिया है और उसके बाद हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में भी पढ़ लिए हैं शिवली नुमानी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रहमान फ़ारूक़ी के बारे में रहमान फारूक़ी ये उर्दू के अहम नाकिद हैं और मुसन सहाफी में भी इनका नाम आता है असल नाम था इनका शमशुर रहमान फारूकी क्या नाम था शमशुर रहमान फारूकी इनका नाम था और इनके वालिद का नाम था खलीलुर रहमान फारूकी क्या नाम था खलीलुर रहमान फारूकी पैदाइश जो है 30 दिसंबर सन 1935 ईस्वी को आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी और वफाद जो है 25 दिसंबर 1920 सौ ईस्वी को इलाहाबाद में साथियों कोरोना की वजह से इनकी मौत हुई थी देखिए तो ये लेटेस्ट में आपको पूछा जा सकता है कि शमशुर रहमान फारूकी की मौत की क्या वजह थी तो कोरोना की वजह से साथियों इनकी मौत हुई थी कब हुई थी 2020 में शमशुर रहमान फारूकी जदीदियत के बुनियाद गुजारों में से एक थी माबा जदीदियत जदीदियत तो ये जदीदियत के बुनियाद गुजारों में से एक थे यानी ये जदीदियत के जो साथियों बानी होते हैं उनमें से इनका शुमार होता है रहमान फारूकी ने शायरी और नाविल निगारी के मैदान में भी तबाह आजमाई की यानी ये शायरी तो किया ही साथ में इन्होंने नाविल भी लिखी है उर्दू का एक अदबी रिसाव था जिसे रहमान फारूकी ने सन उन्नीस ईस्वी में इलाहाबाद से जारी किया था और यह रिसाला 2006 तक निकलता रहा यह लगा लीजिएगा स्टार पॉइंट में वी वी में साथियों ऐसे तो मैंने आपको अखबारों तो रसायल पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बहुत सारे अखबारों तो रसायल पढ़ाए और मैंने बताया कि कौन सा रिसाला किसने निकाला और कहां से निकाला उर्दू का पहला रिसाला कौन है और उसके बाद बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई लेकिन शबखून जो है यह रिसाला साथियों शब खून ये रिसाला भी बहुत ही अहम है पूछा जाता है इसको किसने निकाला तो शमशुर रहमान फारूकी ने और कब निकाला उन्नीस सौ छियासठ में कहा से निकाला इलाहाबाद से जारी किया और ये रिसाला कब तक निकलता रहा दो हजार तक ऐसे मैंने आपको एक रिसाला पढ़ाया था रिसाला मारिफ जो के साथियों अभी तक निकलता है दारुल मुसनफिन आजमगढ़ से सैयद सुलेमान नदवी ने इस रिसाला को निकाला है और यह रिसाला साथियों कब निकाला गया 1916 में यह भी आप याद रखेंगे ठीक है ना जे किस रिसाला के बारे में तो साथियों रिसाला मारिफ के बारे में जे उसके बाद आगे है जो इनके तसानीफ हैं तसानीफ में साथियों आता है लफ्जो मानी क्या लफजो माना इनके साथियों तसानीफ है तनकीदी इफकार फारूकी के तबसरे और इस बातों नफी शेर शोर अंगेज चार जिल्दों में मीर तक़ी मीर के बारे में ये किताब है, यानी ये एक तस्करा है साथियों बहुत ही अहम है ये चीज याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है कि शेर शोर अंगेज किसकी लिखी हुई किताब है किसके बारे में लिखी गई है तो यह मीर तकी मीर का साथियों तस्करा है और यह किताब टोटल जो है चार जल्दों में है और किसने इसको लिखा है तो शमशुर रहमान फारूकी ने इसको याद रखिएगा और शब याद रखिएगा तफहीम गालिब इसके बारे में भी पूछा जाता है ठीक है अंदाज गुफ्तगु क्या है उर्दू गजल के अहम मोड़ दास्तान अमीर हमजा शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई है उर्दू का इब्तदाई जमाना अदबी तहजीबो तारीख के पहलू और नए नाम जदीदियत और अहम और उर्दू की नई किताब कई चांद थे सर आसमान कई चांद थे सर आसमान ये साथियों नाविल है किसके शमशुर रहमान फारूकी के लिखे हुए और उसके बाद है सवार और दूसरे अफसाने ये अफसानवी मजमु है और शेरी मजमु में साथियों इन इनकी किताबें हैं उसमें नाम आता है गंगे सोखता सब्ज अंदर सब्ज। चार सिं दरिया का आसमान मेहराब ये सब जो किताबें हैं ये साथियों रहमान फारूकी की है बहुत ही अहम हो जाती है इन सब को याद रखना इसलिए आप इसको जरूर अच्छे ढंग से याद कर लेंगे ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं जो एजाजात इनामात हैं यानी जो इनको सम्मानित किया गया है उसमें से भी आपको पूछा जाता है रहमान फारूकी को शेर शोर अंगेज पर 1966 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया बहुत ही भी भी आई है। इसको आप याद रख लीजिएगा कि साथियों शेर शोर अंगेज पर कब इनको नवाजा गया तो 1966 में नवाजा गया और शेर शोर अंगेज कौन सी किताब है साथियों तो ये मीर तकी मीर के बारे में यानी मीर तकी मीर पर लिखा हुआ एक तस्करा है कितने जिल्दों में है तो चार जिल्दों में है शमशुर रहमान फारूकी को 2009 में हुकूमत में हिंद की जानिब से पद्मश्री एवार्ड से नवाजा गया पद्मश्री एवार्ड से नवाजा गया शमशुर रहमान फारूकी को 1986 में साहित्य अकादमी एवार्ड से नवाजा गया यानी इनको तीन एवॉर्ड मिला है एक साथियों सरस्वती सम्मान दूसरा जो है आपका पद्मश्री और तीसरा जो है वो इनको साथियों कौन सा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है ठीक है ना इसको आप याद रखिएगा अब उसके बाद आगे है कि कुछ अहम नुकात निकात में साथियों क्या है जे फारूकी के नजदीक एक अफसाना शायरी से बेहतर है एक अफसाना शायरी से बेहतर है ये 1966 जो है ना ये 1996 कर लीजिएगा ये सही बोल रहे हैं मोडनी ऑफिशियल उन्नीस सही है मैं भी इसको लग रहा था कंफ्यूज हो गया हूं उन्नीस में नहीं ये उन्नीस होगा सरस्वती सम्मान जो है ना ये इनको उन्नीस में मिला है ठीक है इसको सही कर लेंगे बाकी मैं इसको और इसमें भी सही कर दूंगा ठीक है अच्छी बात है जी इसको आप सही कर लेंगे जी उन्नीस में मिला इनको सही कर लेंगे मैं भी सही कर दूंगा ठीक है फारुकी के नजदीक अफसाना शायरी से बेहतर है अफसाना शायरी से बेहतर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने पढ़ा कि ख्वाजा खा, अलताफ़ हुसैन हाल ही के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है वो क्या है मसनवी है और उन्होंने कहा कि कसीदा उनके नज़दीक पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसी तरह फारूकी के नज़दीक अफसाना जो है ना वो शायरी से बेहतर है यानी अफसाना को ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं फ़ारूक़ी के नज़दीक जिस तहरीर में मौजूनियत और इजमाल के साथ जमालियाती हसन इबहाम क्या जमालियाती हसन और इबहाम होगा वही शायरी होगी फारुकी के मुताबिक हाली और आज़ाद के तनकीदी तसवरत हमारी रहनुमाई नहीं करते बल्कि हमें गुमराह करती हैं यानी वो इस पर इतफाक़ नहीं रखती थी शमसर फारूकी दास्तान के बयानिया को नावल के बयानिया से मुख्तफ करार देती हैं ठीक है ना तो साथियों हमने ये पढ़ा शमशुर रहमान फारूकी के बारे में कि शमशुर रहमान फारूकी जो है वो एक अहम नाकद हैं और एक साथियों वो क्या बोलते सहाफी भी हैं और रहमान फारूकी के बारे में हमने ये पढ़ा कि 1935 में इनकी पैदाइश जो है आजमगढ़ में हुई और 2020 में इनकी जो वफात है वो इलाहाबाद में हुई रहमान फारूकी के बारे में दो तीन बातें जो अहम है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो ये है कि रहमान फारूकी ने शब खून नाम से एक रिसाला निकाला था 1966 में साथियों कहां से इलाहाबाद में जो 2006 तक क्या था जारी था दूसरी बात एक बात ये याद रखिएगा कि रहमान फारूकी की एक अहम किताब है जिसका नाम है साथियों क्या शेर शोर अंगेज क्या शेर शोर अंगेज ये किताब जो है टोटल चार जिल्दों में है और ये मीर तकी मीर का तजकिरा है ठीक है ना? इस बात को भी आप याद रखेंगे उसके बाद साथियों एक चीज़ और याद रखेगा कि शमशुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान से उन्नीस में नवाजा गया और इनको जो है पद्मश्री एवार्ड से 2009 में नवाजा गया और साथियों उन्नीस में जो है शमशुर रहमान फारूकी को साहित्य अकादमी एवार्ड से नवाजा गया ये सब चीजें जो थी ना वो रहमान फारूकी से मुतालिक जाती है आम पे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहमान फारूकी की पैदाइश कब हुई थी 1935 में 1933 में 1936 में और 1931 में अरे भाई साहब आप याद रखिएगा जे आप अगर पढ़े होंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या साथियों तरक्की पसंद तहरीक तरक्की पसंद तहरीक की जो बुनियाद है ना वो भी साथियों 1935 में ही लंदन में पड़ी थी और 1935 में ही शमशुर रहमान फारूकी की भी पैदाइश हुई है और इसको डेट याद रखिएगा तो याद रखिएगा 30 दिसंबर कब 30 दिसंबर 1935 को शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश आजमगढ़ में हुई थी ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सब्ज अंदर सब्ज किसका मजमुआ कलाम है सब्ज अंदर सब्ज किसका मजमुआ कलाम है बलराज कोमल का महमूद अलवी का बानी का और शमसुर रहमान फारूकी का क्या पूछा गया साथियों सब्ज अंदर सब्ज तो सबसे पहले याद रखिए शमसुर रहमान फारूकी के जो शेरी मजमुए थे जिसको मैंने आपको बताया उसमें साथियों सबसे पहले मैंने बताया आपको गंजे सोखता क्या गंजे सोखता और उसके बाद मैंने बताया आपको सब्ज अंदर सब्ज तो गोया के सब्ज अंदर सब्ज क्या है ये एक शेरी मजमु है किनका शमशुर रहमान फारूकी का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा मुंदर में शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है अदबी तखलीक तखलीकी अमल लफ्जो माना और इफ्कारो मसाइल शमशुर रहमान फारूकी की किताब के बारे में आपको बताना है जी बताइए क्या होगा राइट आंसर बहुत ही शानदार एक बार साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा ध्यान दीजिए साथियों क्या पूछा गया है इनके किताब के बारे में देखिए लफ्जों माना जो है ये शमशुर रहमान फारूकी की किताब है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है तनकीदी इफकार के मुसनफ कौन है तनकीदी इफकार के मुसन्फ कौन है मोहम्मद हुसैन आजाद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और उसके बाद है रहमान फारूकी और वारिसवी तो साथियों तनकीदी इफकार के जो मुसनफ हैं हैं शमशुर रहमान फारूकी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कई चांद थे सर आसमा कैसी किताब है एक तवील अफसाना है नाविल्ट है एक जखीम नाविल है और सफरनामा है देखिए शमसुररहान फारूकी का कोई भी सफरनामा नहीं है हाँ एक नाविल जरूर है उनका जे और तवील अफसाना तो नहीं अफसानवी मजमु के बारे में मैंने आपको बताया था कि सवार क्या है सवार और दूसरे अफसाने सवार और दूसरे अफसाने ये इनका अफसानी मजमुआ है तो गोया के ये भी नहीं होगा कई चांद थे सर आसमा ये साथियों इनका एक नाविल है क्या है नाविल है ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन ज्ञान पीठ सर और सरस्वती पाने वाले अदीबों का जोड़ा है क्या है ऑप्शन ए में है शमसुर रहमान फारूकी शहरे यार और नैयर मसऊद और उसके बाद शमसुर रहमान फारूकीन हैदर नैयर मसूद और उसके बाद गोपी चंद नारंग शमसुरहमान फारूकी क्या होगा राइट आंसर? देखिए पे दो बात याद रखिएगा ज्ञान पीठ जो है ज्ञान पीठ एवार्ड जो है साथियों ज्ञान पीठ अब तक चार उर्दू के अदीबों को मिला है पहला जो इसमें नाम आता है वो आता है फिराक गोरखपुरी का दूसरा जो नाम आता है कुरतुल एन हैदर का और जो तीसरा नाम आता है साथियों अली सरदार जाफरी का और जो चौथा नाम आता है वो होता है शहरे यार का तो ज्ञान पीठ और सरस्वती तो देखिए ज्ञान पीठ यार का नाम आ गया और सरस्वती रहमान फारूकी को मिला ही है तो इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपके स्क्रीन पर कि मुंदरजा जैल में किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा इंतजार हुसैन इब्ने इंशा हुत हुसैन रहमान फारूकी ये भाई सीटेट का क्लास नहीं है अस्पष्ट लिखा हुआ है आप फिर भी नहीं देख पा रहे सीटेट का ये क्लास नहीं है किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा तो साथियों रहमान फारूकी ने कोई भी सफरनामा नहीं लिखा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जैल में कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई है शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई किताब कौन सी है नई नज्म का सफरनामा इस बात नफी अदबी तनकीद तनकीदी इजहार कौन सी किताब है जे किन के रहमान फारूकी की लिखी हुई है ये आपको बताना है चलिए बहुत शानदार एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा देखिए अगर आपसे पूछता लफ्ज वो माना तब आप बताते कि शमसुर रहमान फारूकी का और इस बात नफी ये भी साथियों किनका है शमसुर रहमान फारूकी का ही है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि शेर शोर अंगेज जे जिल्द अव्वल के दीवाचे की आखिरी बाब का उन्वान क्या है गालिब की मीरी मीरी दरियाए आजम शेर शोर अंगेज और इंसानी ताल्लुका की शायरी क्या पूछा गया है शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाजे की आखिरी बाब का उनवान क्या है जे नौ नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग बहुत शानदार एक बार वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है नौ का साथियों बहुत शानदार ओके जिन लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा देखिए शेर शोर अंगेज के जल्द अव्वल के दीबाचे के आखिरी बाब का उनवान यह है कि साथियों शेर शोर शोर ठीक है ना यही इसका है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है लफ्जो माना किसकी तसनीफ है आल अहमद सुरूर की मोहम्मद हसन की एखतिशाम हुसैन की शमशुर रहमान फारूकी की लफ्जो माना जो है ये साथियों शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ है ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आहंग और बयान किसकी किताब है एहतिशाम हुसैन की शमशुर रहमान फारूकी की कलीमुद्दीन अहमद की वजीर आगा की उर्ज आहंग और बयान किसकी किताब है चलिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर तो देखिए याद रखिएगा यह किताब भी साथियों रहमान फारूकी की है

चलिए बहुत शानदार एक बार आप लोग वीडियो को साथियों लाइक भी कर दीजिएगा अरे इनके साथ आप याद रखिएगा ना मोहम्मद हुसैन आजाद को मैंने बताया था और उसी तरह साथियों मैंने आपको बताया है मेहदी अफादी कौन मेहदी अफादी उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है साथियों फिराक गोरखपुरी कौन फिराक गोरखपुरी कौन फिराक गोरखपुरी इसी तरह साथियों आपको मैंने बताया न्याज फतेहपुरी न्याज फतेहपुरी इन सभी का जो ताल्लुक है वो तस्राती तनकीद से किनसे है तुराती तनकीद से किससे है साथियों तस्सराती तनकीद से किससे है तस्सराती तनकीद से इन लोगों का ताल्लुक है लेकिन जमालियाती तनकीद में भी न्याज फतेहपुरी का नाम आता है ये बात सही है लेकिन एक चीज में बताना चाहूंगा आपको मैंने जब आपको पढ़ाया था तस्राती तनकीद तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि न्याज फतेहपुरी जो है ना वो तसराती तनकीद के अहम नाकीद में उनका शुमार होता है किसमें अहम नाकद में तो जब अहम नाकीद का नाम आ गया तो जब तुराती आ गया तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा बात समझ में आ गई चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्लामा शिबली नौमानी को शमसुलौलमा का खिताब कब मिला था किनके बारे में बात हो रही है शिबली नौमानी शिबली नौमानी की जो पैदाइश है वो अठारह सो सत्तावन में हुई थी साथियों आजमगढ़ में और उन्नीस सौ चौदह में इनकी वफात हुई है इनको शमसलौलमा का खिताब कब मिला था उन्नीस सौ चार में उन्नीस सौ पांच में अठारह सो चौरानबे में और अठारह सौ निन्यानबे देखिए शमसुलौलमा जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद को भी कहा जाता है और शमशुलौलामा जो है ना हाली को भी कहा जाता है और शमशुल शमशुला जो है ना शिबली नी को भी कहा जाता है नहीं तो शमशुल शमशुला का खिताब किन साथियो, को साथियों शिबली नी को कब मिला था यह आपको बताना है बहुत शानदार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा याद रखिएगा अठारह में इनको मिला था ऑप्शन सी और 1904 में जो है हाल ही को मिला था शमशुल शमशुला का खिताब ठीक है अगला क्वेश्चन मंदरजाजैल में हसरत मोहानी ने क्या करते हैं अलीगढ़ से एक रिसाला 1914 में जारी किया था जिसके सात शुमारे निकले उसका नाम क्या था यानी एक अलीगढ़ से इन्होंने निकाला था और उस रिसाले का नाम बताना है निगार है तजकित शोरा है उर्दुए है, तहजीबुल अखलाक है क्या होगा राइट आंसर बहुत ही शानदार साथियों एक बार जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मैं बात करूं हसरत मोहानी का तो इनका नाम है साथियों सैयद फजल हसन क्या फजल हसन और इसी तरह आप बताइएगा कि अबुल हसन किसका नाम है अबुल हसन फजल हसन अबुल हसन जे और उसके बाद साथियों हसरत मोहानी की जो पैदाइश है वो अठारह में साथियों जी मोहान शहर जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर इनकी पैदाइश हुई और उन्नीस में फरंगी महली में इनकी वफात हुई थी और उसके बाद साथियों अब आपको बता रहा है कि इन्होंने देखिए उर्दू मोहल्ला जो है यह भी साथियों हसरत मोहानी का ही रिसाला है लेकिन इसको इन्होंने 1914 में नहीं जारी किया था ठीक है ना जे इन्होंने तजकित शोरा नाम से एक रिसाला 1914 में जारी किया था अलीगढ़ से और उसके सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सात शुमारे निकले थे इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा राइट होगा राइट अब से मैंने क्वेश्चन पूछा कि अबुल हसन किसका नाम है तो अबुल हसन जो है वो नाम है साथियों अमीर खुसरू का और अमीर खुसरू को जो है ना तो हिंद कहा जाता है क्या कहा जाता है तो हिंद भी इनको कहा जाता है क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है सईदुल अखबार किसने जारी किया सईदुल अखबार साथियों दिल्ली से निकलने वाला एक अखबार था इसको जारी करने वाले का नाम आपको बताना है सर सैयद अहमद खान मौलाना आजाद मौलवी मोहम्मद बाकर और सैयद मोहम्मद खान क्या होगा ये क्या पूछा गया सईदुल अखबार किसने जारी किया बहुत ही शानदार एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्या पूछा गया आपसे सईदुल अखबार याद रखिएगा 1837 में साथियों दिल्ली से अखबार निकाला सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद खान ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा अच्छा एक चीज ये बता सकते हैं आप लोग कि सैयदुल अखबार के मुदीर आला कौन थे मुदीर आला कौन थे सैयदुल अखबार के सैयदुल अखबार के मुदीर आला का नाम आपको बताना है सैयदुल अखबार के मुदीर आला जो थे वो थे साथियों कौन अब्दुल गफूर कौन थे अब्दुल गफूर ठीक है सर सैयद अहमद खान ने तो साथियों तहजीबुल अखलाक निकाला है मौलाना आजाद ने साथियों अल हिलाल और अल बलाग और उसके बाद और भी साथियों इन्होंने निकाला है उसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकर ने तो दिल्ली उर्दू अखबार निकाला है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है इसके दीवान की आमद सी दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ कुली कुतुब बुलबुल बुल और अमीर खुसरो वली दखनी याद रखिएगा पूछा जाता है कि शुमाल और जुनूब का ये पुल किसे कासवुर किया जाता है तो वह है साथियों वली दखनी और वली दखनी के दिल्ली आमद से ही इनके दीवान की आमद से ही दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था वली दखनी ही साथियों सबसे कदीम उर्दू के शोरा में शुमार होता है इनका और इनके पैदाइश के बारे में इख्त भी है ठीक है ना याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है सत्रह नंबर में उर्दू की किससे मंसूब है मीर मनसूब मीर से अमीर खुसरू से गालिब से और साथियों मीर अमन से यानी किसने उर्दू की सबसे ज्यादा पहेलियां कही है याद रखिएगा साथियों अबुल हसन यानी तो हिंद यानी तो ये हिंद जिनको कहा जाता है यानी अमीर खुसरू ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है अठारह नंबर में हसरत मोहानी कितनी बार जेल गए थे पांच बार दो बार और तीन बार और आठ बार हसरत मोहानी का असल नाम जो है साथियों वो नाम है क्या जे फजल हसन और ये जो है तीन बार जेल गए थे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त कौन थे सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद हुसैन आजाद न्याज फतेहपुरी वली दकनी फिराक गोरखपुरी देखिए सबसे करीबी दोस्त के बारे में पूछा जा रहा है चलिए बताइए बहुत ही शानदार एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सबसे करीबी दोस्त कौन थे किनके साथियों तो हसरत मोहानी के सबसे करीबी दोस्त में नाम आता है नियाज फतेहपुरी का और न्याज फतेहपुरी जो है जिनका ताल्लुक है साथियों कहां से तस्राती तनकीद से ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फानी बिदा को यासियात का इमाम किसने कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने मोहम्मद हुसैन आजाद ने रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना आजाद ने यासियात का इमाम किनको कहा था यानी फानी बिदायूनी को किसने कहा था ये आपको बताना है फानी बिदा को यासियात का इमाम जो है साथियों वो कहने वाले हैं कौन रशीद अहमद सिद्दीकी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा क्लियर तो साथियों टोटल बीस क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके बताइए और आज का ये लाइव सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं और हाँ साथियों अगर आप में से कोई भी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप साथियों यूपी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर साथियों आप एल ग्रेड के लिए या पीजीटी के लिए या उर्दू में साथियों उर्दू आप आने वाले समय मानो बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली का क्लास नोट्स पी ये सब मिलता रहेगा जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी से अच्छी हो पाएगी रहमान फारूकी आपके लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहा है इसमें पूछा जाता है अभी तो असल में मैंने शमसुर पढ़ाया और उसी से मुतालिक सवाल आपसे कर दिया इसलिए आपको आसान लग रहा लेकिन इसी सवाल को अगर हम 10 दिन के बाद करेंगे तो फिर आपके लिए यह हो जाएगा मुश्किल यानी हार्ड ठीक है ना इसलिए आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और सीरियस पढ़िएगा ठीक है किसी को और कुछ पूछना है साथ साथियों जी चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज अपना ख्याल करेंगे शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया